तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू आप लोगों से बात करने के लिए एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। मुझे आप लोगों के साथ में कुछ बातें करनी है अभी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि देखिए, फिलहाल आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया था, दो तीन वीडियो में ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुकी कि मेरा मन नहीं है किसी से भी इस टॉपिक में राय लेने का, किसी से भी बात करने का कोई मन नहीं है, बात नहीं होती ही नहीं है यार। मतलब माइंड जो है ना, वो इतना परेशान है। मतलब मैं आप लोगों के साथ में कहती हूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, लेकिन फ़ोन पर इस टॉपिक को मैं बात करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। यहाँ पे मैं कैमरे के सामने, हाँ, आप सबके साथ में बातें कर रही हूँ, सामने से मेरे को कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, मैं किसी से की कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। मतलब कि मुझे किसी को कुछ जवाब नहीं देना। हाँ, हालांकि आप लोग कमेंट करते हो, वो मैं पढ़ती हूँ, लेकिन वो होता है ना कि एक तो फ़ोन पे बात करना होता है कि हाँ मैं क्या, मुझे भी हाथों हाथ बोलना है, उधर से भी हाथों हाथ रिप्लाई आता है, तो उस सिचुएशन में बात करने का मूड नहीं है। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी बात करने का मूड नहीं है। ऐसा ही कल, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से अभी क्यों कह रही हूँ वो बताती हूँ। कल हुआ ऐसा था कि कल शाम के टाइम पे जब बच्चों की बुक्स वगैरह पे कवर करने थे, और कवर अभी आए नहीं थे, कवर भी नहीं आए थे, कुछ और भी छोटे छोटे मोटे सामान था बच्चों का जो स्कूल के लिए ज़रूरी था, वो नहीं आया था। तो कल शाम को मैं मार्केट जा रही थी जिस टाइम पे, उस टाइम पे बारिश का मौसम हो रहा था, तो फिर मैं अकेले नहीं गई, ऑटो से नहीं गई, कुछ पर्सनल रीज़न थे जिसके कारण हम लोग साथ गए थे। तो मार्केट जाने के बाद में पर्सनल रीज़न भी क्या थे आपको मैं बता ही देती हूँ कि परसों गए थे ना, उससे पहले दिन जब बारिश में भीग गए थे, तो फिर आने के बाद में मुझे बहुत कुछ सुनाया भी गया कि बच्चों को बीमार करने का तरीका है ये, और फिर मैंने भी महसूस किया कि बच्चों की क्या गलती है, उनको बारिश में क्यों भिगोया जाए। ठीक है, तो फिर ये सोच के जब तक अपना खुद का कुछ सेटलमेंट नहीं होता, वो होता है ना कि अभी तो बिन पहिए की गाड़ी है, धीरे धीरे अपनी ट्रैक पर आएगी। तो फिर कल मार्केट गए थे, कुछ बच्चों का सामान लेके आना था, मार्केट बंद थी वैसे कल, अमावस्या थी ना, तो स्टेशनरी वगैरह का सामान था। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन बस फिर ये है कि एक फ़ोन कॉल ने दिमाग थोड़ा सा ऐसे कर दिया, मैंने सोचा चलो पहले मैं आप लोगों से बात करूं। तो वहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिली, वो एक यूट्यूबर भी हैं, तो उन्होंने भी कुछ बोलना शुरू किया, कुछ बातें की, तो उनके एवज में भी मेरे पास कुछ फ़ोन कॉल्स आए यूट्यूब फैमिली से ही, सब्सक्राइबर्स के उनके लिए भी, और अभी एक यूट्यूब से ही एक यूट्यूबर हैं उनका फ़ोन आया उनके लिए भी। मतलब कई फ़ोन कॉल्स इस तरीके के आ चुके, कोई मैं उठा लेती हूँ, कोई मैं नहीं भी उठाती। ठीक है, उन सब को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, आपकी हर एक चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा बात करने का मन नहीं है, मैं किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ जब भी, मतलब इस चीज़ को बुरा वे में ना लिया जाए, गलत वे में ना लिया जाए, कोई इस चीज़ को गलत ना सोचे, मैं आप लोगों को सिर्फ वही बात है कि फ़िलहाल वो होता है ना, कई बार कैसा क्या होता है कि हमारी मेंटली कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि हम बात नहीं करना चाहते फ़ोन पे, फ़ोन के ऊपर जैसे फ़ोन कॉल पे कोई है, हम उससे बात नहीं करना चाहते, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं आप लोगों को क्या कहूँ, मैं मेरा घर वालों से बात करने का मन नहीं करता, फ़ोन आते हैं ठीक है देखेंगे, हाँ सब ठीक है बाद में बात करती हूँ, यही बात होती है, इससे ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, क्या पता आने वाले टाइम में धीरे 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 फ़ोन कॉल्स पे बात करने का मन करे। वैसे मेरा आप लोगों ने देखा होगा, या तो मेरा खुद का वैसे ही मन नहीं करता फ़ोन कॉल्स पे बात करने का, नॉर्मल होती हूँ जब ही नहीं करता, और अब तो मेरा बिल्कुल ही नहीं करता। तो प्लीज़ आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी है, जैसा भी है, मुझे फ़ोन मत करना अभी। जब मुझे लगेगा आपके फ़ोन कॉल्स आए हैं, आपके मैसेज आए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं,
अपने यूट्यूब परिवार से ही, तो मैं जब मेरा थोड़ा सा यूँ लगेगा कि मुझे बात करनी चाहिए, मैं खुद बात करूँगी आप लोगों से। और एक चीज़ और मैं क्या कह रही थी कि मेरे रिलेटिव्स को, मेरे जानकारों को, सबको पता है कि मेरा मूड कैसा है। मुझे मेरे जैसे परिवार में मेरे रिलेटिव जानकार कौन है, मेरे मायका, मेरा ससुराल, और सबको पता है कि अब मूड नहीं है तो बात करने का भी मूड नहीं है। फ़ोन कॉल एक बार आ चुके शुरू में सबके, अब जब तक हमारा नहीं जाएगा, जब तक उधर से नहीं आएगा, इसलिए मैंने किया नहीं, उधर से आया नहीं, अब फ़ोन कोई मतलब नहीं है। देखेंगे, सबके घर की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के तरीके भी सबके अलग अलग होते हैं। तो और एक चीज़ और है, अपने भले बुरे का ज्ञान भी मेरे ख्याल से सबको होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर एक इंसान को पता होता है। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार उस इंसान की मेंटली कंडीशन ऐसी होती है कि वो नहीं समझ पाता, और जब धीरे धीरे, और एक चीज़ और है, इंसान चलना कब सीखता है, जब ठोकर लगती है। क्या पता मेरा फैसला गलत हो और क्या पता सही हो, तो जो भी होगा रिजल्ट आपके सामने आएगा, रिजल्ट लेके देखते हैं। जैसा भी रिजल्ट आता है, कम से कम मन में ये तो नहीं रहेगा कि ना कि हाँ मैंने स्टेप नहीं लिया, मैंने करके नहीं देखा, ये तो नहीं रहेगा ना ऐसा, तो मतलब मन में फीलिंग नहीं आएगी ना कि मैंने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। एक बार करके देख लेते हैं ट्राई, ना करके तो बहुत बार देख लिया, बैक स्टेप लेके तो बहुत बार देख लिया, अब एक बार आगे स्टेप लेके देख लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, है ना, एक बार आगे स्टेप लेके देख लेते हैं। बस ऐसा ही कुछ हो रखा था, मन तो था कि सो जाऊं, लेकिन नींद ही नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, फिर वो फोन आया, उसके कारण माइंड में ऐसे ही चल रहा था, ज़्यादा ही कुछ हुआ दिमाग में, जब मैं सोचा चलो बात करके आई जाए। और देखिए, बात फ़ोन पे बात करने का मन नहीं करता, और आप सबसे इस तरीके से कैमरे में अपने मन की सारी बातें कह जाती हूँ, क्योंकि उधर से कोई बोलने वाला नहीं है ना, उधर से कोई बोलने वाला नहीं है, किसी को जवाब नहीं देना। कमेंट्स आएंगे, लाइक हार्ट दे दूंगी, या फिर किसी का कमेंट ज़्यादा मन को छू गया तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस टॉपिक पे, नहीं तो किसी को जवाब नहीं देना, तो यहाँ बक बक हो जाती है, अपने आप से बातें करना होता है, ऐसे लगता है जैसे मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। कौन कौन करता है अपने आप से बातें? और एक भजन है, किस किस का सुना हुआ है बताना मेरे को, ठीक है, मैं भी सुनाती हूँ। मेरे को मतलब लाइन जिस तरीके से मेरी बेसुरी चाहिए आवाज होगी, लेकिन भजन बहुत प्यारा है, ये सुनना सुना शुरू की मुझे शर्म भी आती है गाते हुए यार, लेकिन भजन है बहुत अच्छा है, तो मैं उसकी दो लाइनें सुनाऊंगी जरूर। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। चलो कोई बात नहीं, कैसा लगा आपको ये भजन जरूर बताना, वैसे बहुत बड़ा है लेकिन मुझे ये लाइनें जो है ना कि कुछ ज़्यादा ही मेरे जुबान पे रहती है, तो मैंने आप लोगों को सुना दी, ठीक है। और प्लीज़ मेरी किसी भी बात को गलत वे में मत लेना आप लोग, मैं आप लोगों से खुद कॉल करूँगी, अभी बात करने का मूड नहीं है, बस इतना समझना, अभी बात करने का मूड नहीं है, जब लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ठीक है तो मैं खुद से फ़ोन करूँगी। उबासी पे उबासी आ रही है, आप लोगों को भी सुला के छोड़ूंगी मैं, कहते हैं उबासी आती है ना तो सामने वाले की उबासी देख के खुद को भी नींद आनी शुरू हो जाती है, मतलब उबासी आनी शुरू हो जाती है। दोपहर का 1 बज रहा है और 1 बजे मैं धूप में यहाँ किचन में बैठी हूँ, ऐसी हो ना, कोई बात नहीं।
आप लोगों के कमेंट्स रीड करूंगी और अपने ईयरफोन लगा के भजन सुनेंगे, मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जय श्री राम।